कविता के माध्यम से मैं अपनी चर्चा करूं चाहता हूं। उसमें मेरे कुछ भाव हैं, वो आप सबके सामने जाएं, तो आप उसको उसके साथ, उस कविता के साथ आपका मन आगे चले और उस पर्यावरण में वृक्षों की पीड़ा को आप अनुभूत करें। क्योंकि जिस तरह से विकास के नाम पर वृक्षों की कटाई हो रही है, वृक्ष काटना विकास का विरोधी, मैं उसको विरोधी मानता हूँ। अगर पेड़ों को बचा लिया जाए और फिर सड़कें बने, फिर रेलवे लाइन बने, या पेड़ों को कटना पड़े तो उसके बदले में उतनी पेड़ लगाया जाए तो हमारे पर्यावरण को क्षति नहीं होगी। तो पर्यावरण पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ। एक दृश्य ऐसा मैंने देखा कि जिसमें दो आम के पेड़ आपस में कटे हुए पड़े हुए हैं। मेरे मन में आया कि अगर ये मनुष्य होते तो कैसे बात करते, इनकी मानवीय संवेदना क्या हो सकती है। तो अभी तक मनुष्य की तुलना फूलों से पेड़ों से होती है। मैं आपको उस वृक्ष को मनुष्य के रूप में आपके सामने रखकर उसकी पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ कि पास पड़े दो कटे आम्रतल आपस में बतियाते, पास पड़े दो कटे आम्रतल आपस में बतियाते, बीती आप सुनाते रह रहे अश्रु बहाते। देखिए दोनों क्या बात कर रहे हैं। उसमें एक कह रहा है कि रहे तरुण हम युगल बंधु छतनार हमारी साखे, छतनार जो बड़ी बड़ी छाया देने लायक, रहे तरुण हम युगल बंधु छतनार हमारी साखे, हरे भरे पत्तों से शोभित देख अचंभित आंखें, हमने छाया दी मानो को फल भी दिए रसीले। पेड़ क्या क्या नहीं देता, हमने छाया दी मानो को फल भी दिए रसीले, हरी हरी अमिया भी बांटी पके हुए फल फीले, हरी हरी अमिया भी बांटी पके हुए फल पीले, थकन मिटाने मेरे नीचे कितने प्राणी आए, हमने उनका ताप मिटाया शीतल विजन डुलाए, कितने पंछी चहका करते करते रैन बसेरा, कलरव की रव फैला करती पुलकित सांझ सवेरा, पंछी के कुटुंब रहते थे रच रच सुघर घोंसले, उनके बच्चे नभमे उड़ते जागृत करे हौसले। पेड़ ही कह रहा है देखिए कि वर्षा आंधी झेल हमी ने बांधा उर्वर माटी, नहीं तो सारी मिट्टी बह जाती, वर्षा आंधी झेल हमी ने बांधा उर्वर माटी, मेरे नीचे पले धर्म संस्कार मूल्य परिपाटी, प्राण वायु दे जीवन बांटा खुशियां सदा लुटाई। प्राणवायु माने ऑक्सीजन, वृक्ष से ही मिलता, प्राणवायु दे जीवन बांटा खुशियां सदा लुटाई, जाने कौन खता पर मानव ने शत्रुता निभाई, मैंने तो इतना दिया फिर भी मनुष्य मुझे अपना दुश्मन क्यों मानता है। फिर कह रहा है कि हम हैं पड़े निढाल सोचते यह कैसा प्रतिफल है, क्या विनाश मेरा कर देना ही विकास का हल है। वृक्ष प्रश्न कर रहा है मनुष्यों से कि हम हैं पड़े निढाल सोचते यह कैसा प्रतिफल है, क्या विनाश मेरा कर देना ही विकास का हल है, नहीं रहेंगे तो कैसे पंछी किलकार करेंगे, नहीं रहेंगे तो कैसे पंछी किलकार करेंगे, हारे थके हुए प्राणी का कैसे कष्ट हरेंगे, कौन ताप से मिटा सकेगा, कौन ताप से मिटा सकेगा इन अंधे मूर्खों को, कैसे उत्तर दे पाएंगे अपने पुरखों को जिन्होंने रोपा था लगाया था, कैसे जल की वर्षा होगी कौन नमी सोखेगा, कभी शुष्कता कभी आर्द्रता मौसम कैसे रोकेगा, तीव्र हवाओं की आंधी अंगारे लेकर आएगी, सस्य श्यामला सुंदर धरती सोला बन जाएगी, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं वो सब होगा, भूख प्यास से पीड़ित प्राणी कहाँ सहारा पाएंगे, ऊसर बंजर धरती पर सुख से कैसे रह पाएंगे। फिर कह रहा है कि हम तो चले, चलो हे भाई आकर कुछ तो किया, हम तो चले चलो हे भाई आकर कुछ तो किया, पर सेवा में एक एक पल दिया नहीं कुछ लिया। पेड़ क्या लेता है, पर सेवा में एक एक पल दिया नहीं कुछ लिया, नहीं रहेंगे तो शायद ये मानो कुछ सोचेंगे, हम रोते हैं ये रोएंगे, बच्चे इनसे पूछेंगे कि यह कैसी दुनिया है पापा, अब आप लोग हैं तो मम्मी भी आ जाएगा कि यह कैसी दुनिया है मम्मी, कहाँ स्वर्ग धरती पर, कैसे भाग्यवान कहलाए वृक्षहीन प्रति पर,
तब शायद इनके विकास की परिभाषा रोएगी, तब शायद इनके विकास की परिभाषा रोएगी। बिना हमारे जब यह धरती मानवता खोएगी, स्वार्थ में डूबे इस मानव की सेवा का कुछ अर्थ नहीं। हम कटते हैं, हम मरते हैं, इनको कोई दर्द नहीं। हम कटते हैं, हम मरते हैं, इनको कोई दर्द नहीं। सूनी धरती, सूना अंबर, लख लख घबर आएंगे, तब तक डूब चुका होगा सब, खुद कैसे बच पाएंगे। इन्हें ज्ञान की एक किरण दे देना मेरा ईश्वर, इन्हें ज्ञान की एक किरण दे देना मेरे ईश्वर, वरना यह जग बन जाएगा भूत प्रेत का खंडहर, वरना यह जग बन जाएगा।